नमस्कार साथियों, मैं मास्टर विनोद सर हाजिर हूँ एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए साथियों, एक बार फिर से जीके बाय विनोद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे आपसे चट्टानों से आए हुए प्रश्न, जो चट्टानों का एक टॉपिक है साथियों। इससे आए हुए जितने भी प्रश्न हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी पेश करेंगे। टॉपिक के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए प्रश्न नंबर एक है, इसमें पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी मानी गई है या कितनी बताई गई है, इसके बारे में आपको देखिए गैस करो और एक बार आप अपने दिल में अपने मन में सोचो कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। 10, 20, 150 और 500। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आपको दे रहा हूँ सही आंसर। आंसर होगा 20। क्या होगा? 20 होगा, इसका उत्तर होगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं। आप लोगों को पता होगा पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के अंदर से जो लावा बाहर निकल कर आकर जमा होता है उससे कौन सी चट्टान बनती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए, आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए हमने आपको जो टॉपिक बताया था उसमें आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने हमारे दो वीडियो पहले देखे हैं उनमें एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, जिसे आप देखना, चट्टानों की विविध जानकारी दी है उसमें, तो आपको पता होगा साथ ही प्राथमिक सेल कहा जाता है आग्नेय चट्टान को। इसे प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल आदि नामों से भी जाना जाता है। देखिए इसके वजह से चार ऑप्शन है, रूपांतर चट्टान, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, जो और एक अंतर्वेदी चट्टान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए फोर आग्नेय चट्टान दे रखा है इसमें, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न है, आग्नेय सेल कहलाती हैं कठोर सेल, मौलिक सेल, गौण सेल और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो फोर्थ है इसका उत्तर आप चूज करो और बताइए। पता लगा होगा अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये एक मौलिक सेल है। किस सेल है? मौलिक, यानी ये मौलिक सेल है, इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, तो ये साफ आपको पता होगा सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी मानी गई है, आग्नेय चट्टान इसका उत्तर होगा 100%। कौन सा होगा? आग्नेय चट्टान। देखिए आपका ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को देखते चलें और आप अच्छे समझ लें। देखिए वैसे इसमें क्या है, ये जो आग्नेय चट्टान, कायंद्र चट्टान, अवसादी चट्टान और एक रखा अधिवितलीय चट्टान, तो कुल मिलाकर इसका उत्तर होगा आग्नेय चट्टान, जो हमने आपको भी शेयर कर दिया है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छः है, ये देखिए आग्नेय चट्टान बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से। आप लोग देख रहे हैं इसका उत्तर एक और है, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा, आप देख सकते हैं छोटा करके इसे, आग्नेय चट्टान बनती हैं तो गर्म लावा के ठंडा होने से इनका निर्माण होता है, तो इसका 100% उत्तर होगा ए। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर सेवन्थ प्रश्न है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप लोग दिख रहा होगा मोह स्केल है, इससे किसका मापन किया जाता है, तो ये चट्टानों का मापन किया जाता है। मैं आपको एक बार समझा दूँ, जैसे आप लोग देखा होगा कि दाब मापी से, यानी वायु दाब मापा जाता है दाब मापी से, तो इस तरह से साथियों इसमें दे रखा है चट्टानों की जो कठोरता है उसे किस में मापा जाता है, वो है मोह स्केल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे भूकंप मापे जाते हैं सीस्मोग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। देखिए साथियों, आग्नेय चट्टान, अवसाद चट्टान, कायंत्र चट्टान और अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टान। देखिए इसमें ग्रेनाइट लिखा हुआ है, ग्रेनाइट अगर इसमें लिखा हुआ है, ये आठवां क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। वैसे ग्रेनाइट उदाहरण तो माना जाता है चट्टान का, आग्नेय चट्टान का, साफ बात है, लेकिन आग्नेय चट्टान में भी ये कह रहा है अधिवितलीय या प्लूटोनिक, मतलब जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाली जो चट्टान होती है उसे ग्रेनाइट बोलते हैं, और जो पृथ्वी के बाहरी सतह पर पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन,
बेसाल्ट बोलते हैं। तो ये हमने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था। देखिए नौवां क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की जानकारी ले रहा, तो आपको यहाँ पर एक अंडरलाइन कर लेना है, इसे ये हाँ या ना पूछ रहा है, सत्य या असत्य पूछ रहा है। ये बहुत ही घातक क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछ जाते हैं। हर परीक्षा में 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो परीक्षार्थियों के गणित बिगाड़ देते हैं, तो इन पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम आपको समझा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता। बिल्कुल सही है, आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती। असत्य पूछा का सत्य क्या है, ये तो सही है, इन चट्टानों में रवे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये हमने आपको समझाया पीछे, क्रिस्टल पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता, बिल्कुल इनमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आगे दे रखा है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं। तो 9D साथियों, ये इसका उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता कि इसमें जोड़ नहीं पाए जाते, इनमें जॉइंट्स नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए प्रश्न नंबर 10 है, ये लिख रहा है साफ इसमें कि जो सेल, यानी जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वो बताइए। तो इसमें से 4 में छांटना है आपको कि क्या आपको गलत लग रहा है, क्या आपको सही लग रहा है। देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आराम से आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। ये देखिए, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वो समझना है। क्वार्टाजाइट, आपको पता होगा साथ ही क्वार्टाजाइट है, मैंने आपको बताया था बलुआ पत्थर, बलुआ को कलुआ कहा था, कलुआ वो होंगे जो कमारे रह जाएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब क्वार्टाजाइट है, ये तो हो गया जो तीसरी जो चट्टान है, कायंत्र चट्टान। ग्रेनाइट जो है इसमें, साथ ही ग्रेनाइट है, और ये चट्टान है आप लोगों को पता होगा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण। नीस जो उदाहरण है साथियों, ये है कायंत्र चट्टान का, और संगमरमर भी कायंत्र चट्टान का। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा और वो होगा बी, ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट अन्य से भिन्न है। ये तीनों जो चट्टान हैं 1, 2 और 3, इन तीनों का संबंध साथियों कायंत्र चट्टान से है। देखिए एक और बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुम्बदाकार, यानी भूगर्भ में विशाल आकार की गुम्बदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हमने बताया था कि वे चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में पाई जाती हैं उनका नाम क्या है। तो ये चारों नाम वही हैं, इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो आपको छांटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बैथोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ और हमने आपको लोपोलिथ, इन सब के बारे में जानकारी दी थी उस टॉपिक में, आपको पता हो तो, जो हमने पहला वाला अपना जो वीडियो डाला था उसमें। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक विशाल आकार की जो चट्टान है जो उसमें जमा हो जाती है, इसका एक सबसे बड़ा रूप होता है साथियों, वो होगा जिसका उत्तर होता है बैथोलिथ। मेरे हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा, बैथोलिथ, और 100% इसका उत्तर क्या होगा, फिर बैथोलिथ ही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 12 है, थोड़ा हल्का करके देखिए इसे। ये देखिए, यानी जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो साथियों इसका साफ आंसर होगा बी, अवशादी चट्टान। कौन सा होगा, अवशादी चट्टान, जो परतदार होंगे जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, आपने सुना होगा, हमने समझाया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही, पहला जो वीडियो दिया था आपको उस टॉपिक में आपको समझाया था, और ये क्वेश्चन दिया था धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा साथियों अवशादी चट्टान, लगभग 75% भाग पर चट्टान पाई जाती है और वो है अवशादी चट्टान। एक और क्वेश्चन पूछा था हमने आप लोगों से, अगर आपको ध्यान है तो, वो पूछा था हमने अधिकांश भाग किस चट्टान से बना है, तो वो काफ़ी उसका उत्तर था आग्नेय चट्टान। तो ये आपको अभी 13 क्वेश्चन हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवशादी शैलों से ढका है। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें 75% दे रखा है एक आंसर, एक दे रहा है 65 दे रखा है, एक दे रखा है 70, एक दे रखा है 90%। तो साथी ये क्या हो सकता है, ये आपको गैस कर मुझे अभी बताना है, एक मिनट में सोचिए और बता दीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या होगा,
इसका उत्तर होगा 75। अभी मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, कितना होगा 75, इसका ए उत्तर हो जाएगा कि जो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग है जो अवसादी से ढका है, उसका उत्तर होगा 75%। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान। भूपृष्ठ जो बना हुआ है, जो भूपृष्ठ जो है, उस जो भूपृष्ठ है, अवसादी शैलों का कितना योगदान है जिससे भूपृष्ठ बना हुआ है? केवल 5%। कितना है साथियों? इसका उत्तर केवल 5% होगा। ये देखना, अभी हम देख रहे थे क्या पढ़ा था हमने, यानी सभी चट्टानों में सबसे ज़्यादा चट्टानों का विस्तार किसका पाया जाता है इसमें, तो वो पाया जाता है औषधि का 75%। और जो भूपृष्ठ को बनाने में जिसकी योगदान है इसका, वो केवल और केवल 5% है। अगला क्वेश्चन है 16, देखिए यह 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है, जैविक चट्टान भी कहा जाता है। क्वार्टाजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, तो इसमें से कौन सा उत्तर इसका हो सकता है? ये आप गैस करें और बताएं, फटाक बताएं इसका उत्तर क्या होगा। तो जैविक क्या होगा? कोयला। ये जैविक ईंधन है, पता होगा आप लोगों को, कोयला। इसका उत्तर क्या होगा? कोयला होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, पराजितदार चट्टान, अजैविक चट्टान और आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का उत्तर होगा बी, परतदार चट्टान। कोयल किस चट्टान में पाया जाता है? देखिए कोयला वैसे उसके लिए जाना जाता है, लेकिन ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है। कौन से चट्टान पाया जाता है? परतदार चट्टान में पाया जाता है, यह है परतदार चट्टान, इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 में प्रश्न लिख रहा है, पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? साफ पता है ये किस में पाया जाता है, प्राचीन से स्तरित चट्टान जो है उसमें पाया जाता है। अगर ऐसे कहेंगे हम तो खनिज तेल के लिए जो जानी जाती है चट्टान, वो अवसादी चट्टान ही मानी जाती है वैसे। क्वेश्चन नंबर 19, और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो परतदार चट्टान नहीं है वो देखना है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल और क्वार्टाजाइट। आप सबको पता होगा क्वार्टाजाइट है वो वाली चट्टान, एक कायंत्रित चट्टान है, ना कि आपको देखिए आसानी से पहचान सकते हैं अगर आपने पहले हमारे टॉपिक सुने हैं और पढ़े हैं तो। इन प्रश्नों को हमने अपने घर से नहीं बनाया है साथियों, ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में रिपीट हुआ है तो हमने आपको लिखा है, ये क्वार्टाजाइट है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, एक आज का और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? जिप्सम यानी कांग्लोमेर मर्टे, डोमोलाइट और स्लेट, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए जिप्सम, कांग्लोमरेट और डोमोलाइट ये सब चट्टानें किसका भाग हैं? ये परतदार का भाग हैं, जो नहीं है वो है स्लेट। स्लेट साथियों जो है वो कायंत्रित चट्टान का भाग है। देखिए अभी तक हम जानकारी दे रहे थे इन सभी क्वेश्चनों की, तो आपको कैसा लगा हमारा ये टॉपिक साथियों? एक बार आपका लास्ट बार और हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, आप लोगों ने हमें अच्छा चाहा। देखिए आपकी वजह से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा, और आज का मेरा एक क्वेश्चन है जो अगले टाइम तक मुझे आप उसका जवाब देंगे। तो साथियों जो चट्टान है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये मेरा क्वेश्चन है, आपको कल जवाब देना है। थैंक यू साथियों, मिलेंगे एक ऐसे ही दमदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।